बलोचिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही के बाद इमदादी सरगर्मियों का आगाज करने वाली अदाकारा और गुलुकारा हदीका क्यारी ने मुतासरीन के लिए एक पूरा गांव ही बसा दिया है, जिसमें 100 के करीब नए घर तामीर किए गए हैं। हदीका क्यारी ने सितंबर 2022 में बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद वहां के मुतासर अवाम के लिए वसीला राह नामी मुहिम का आगाज किया था, जिसके तहत उन्होंने अवाम और मुख्तलिफ इदारों से फंड जमा किए थे। हदीका क्यारी ने इब्तदाई तौर पर वसीला राह मुहिम के तहत बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर अफराद को जरूरी अशिया की फराहमी की थी, जिसके बाद उन्होंने मुतासरीन की घर की तामीर का आगाज किया था। अब सैलाब के 4 माह बाद हदीका क्यारी बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद की तहसील टम्बो के एक गाँव में 100 घर तामीर करवाने में कामयाब हो गयी। हदीका क्यारी ने वसीला राह के इंस्टाग्राम पेज पर नसीराबाद में 100 घरों के इफ्तिताह की वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने 14 फुट लंबे और 16 फुट चौड़े कमरे तैयार करवाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मुतासरीन के लिए 100 घरों की तामीर के साथ साथ एक स्कूल, एक मस्जिद और एक मैटरनिटी होम भी तामीर करवाया है, जबकि मैटरनिटी होम में फौज की जानिब से फराहम करदा लेडी डॉक्टर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। गुलुकारा और अदाकारा के मुताबिक उनकी जानिब से तामीर करवाए गए कमरों पर फी कमरा 2.5 लाख रुपए तक लागत आई है, तहम मजकूरा रकम में टैक्स को शामिल किया जाना बाकी है। हदीका क्यारी का कहना था कि वह बलोचिस्तान के इसी इलाके के दूसरी तहसील में मजीद 250 देहात तामीर करवाएंगी, लेकिन अब महंगाई होने की वजह से फी कमरे की लागत बढ़कर 3.5 लाख रुपए तक जा पहुंची है। उन्होंने मुखय्यर हजरात, इदारों और अवाम से अपील की है कि वो उनकी मुहिम वसीला राह में बढ़ चढ़ कर फंड दें, ताकि बलोचिस्तान के सैलाब मुतासर अवाम के लिए मजीद घर तामीर करवाए जा सकें। हदीका क्यारी ने मदद करने वाले अफराद, इदारों और पाक फौज की तारीफें करते हुए एतराफ़ किया कि फौज की मदद के बगैर वो इतना बड़ा काम मुनासिब वक्त पर सरंजाम नहीं दे पाती। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।